Hello my dear students, how are you? I hope that you will be fine. Welcome in YouTube class, and we are doing political science of class 11th. And in this video we are going to discuss our fourth chapter. The name of the fourth chapter is Executive, means Karyapalika. In this chapter or in pre-video, we are discussed our many topics, and now in this video we are to going discuss the function and power of Prime Minister in India. Okay, let us start and see on the screen. Size of the Council of Minister, मंत्री परिषद का आकार. जैसा हमने बताया बेटा आप लोगों को, the Prime Minister of India is the majority leader of party, and those I can say that who became the majority party leader also became the President of India. लेकिन हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद कि देश में मंत्री परिषद जो है यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका साइज क्या होना चाहिए, कितने हम मंत्री बना सकते हैं, उस विषय पर हम बात करेंगे. बिफोर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वां संशोधन जो हुआ उससे पहले यानी 2003 से पहले, द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. यानी वो सब समय पर निर्भर करता था, परिस्थितियों पर निर्भर करता था. मान लीजिए सरकार के पास फुल मेजोरिटी नहीं है तो दूसरे दलों को लालच देने के लिए उनको मंत्रिपरिषद दिया जाता था. तो पहले ऐसा होता था, यानी इसकी लिमिटेशन पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो टोटली डिपेंड करता था प्रधानमंत्री के मूड पर. हम सभी जानते हैं जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वही नियुक्त करता है मंत्रियों को कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए, विच इज मिनिस्टर इज फॉर विच डिपार्टमेंट. This lead to a very large size of the Council of Minister. और जैसा मैंने बताया 91वें संशोधन से पहले कई दफा क्या होता था, मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था. थर्ड पॉइंट हमारे पास है, an amendment was made that the Council of Minister shall not exceed 15% of the total members of the House of the people for assembly. ये बताया गया इन संशोधन में एक चीज पास हुई कि भाई मंत्री परिषद जो है जो टोटल नंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के जो टोटल मेंबर है उनके 15% से ज्यादा हम मंत्री नहीं बना सकते हैं, ऐसा इस अमेंडमेंट में किया गया. एंड दिस अमेंडमेंट वॉज पास्ड इन 2003 बाय बीजेपी गवर्नमेंट, सॉरी एनडीए गवर्नमेंट. हु इज द प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. आइए देखते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद. तो ये हमारे पास दो प्रकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से, कैबिनेट मिनिस्टर, दीज आर द हेड्स ऑफ पार्ट फोलियोज और डिपार्टमेंट लाइक द होम डिफेंस एटसेट्रा. कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारे होते हैं ये बताया गया है ये मुखिया होते हैं, और ये मुख्य मुख्य जो हमारे विभाग होते हैं जैसे गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, सूचना मंत्रालय है, उन्हीं को ही. ओनली दीज आर एंटाइटल टू अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों को केवल मीटिंग अटेंड करने का हक होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ. मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स होते हैं
they are not member of the cabinet. यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि वो कैबिनेट के मंत्री नहीं कहलाते, मंत्री तो है बट दे आर नॉट द कैबिनेट्स मिनिस्टर. दे मे और मे नॉट बी गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री. ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि उन्हें किसी स्वतंत्र मंत्रालय का भाग या हम कहें भार सौंपा जाए. दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन दे इनवाइटेड, और कैबिनेट मीटिंग में वो तभी जाएंगे जब उनको निमंत्रण दिया गया हो, अन्यथा वो नहीं जा सकते. और सी में हमारे पास आ जाते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर यानी हमारे उप मंत्री, जिनको उनसे भी दर्जा नीचे होता है. ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हम फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट जो हमारे पास है अगली वीडियो में बात करेंगे. अभी सर का फोन आ रहा है, मैं सर का फोन अटेंड करता हूँ. तो इसमें